Hello viewers, this is Ambika. I am here with again the new topic, the new chapter and the new session. जो 50 रूल्स फॉर द कॉमन एड था वो तो चैप्टर फिनिश हो गया है. उसके ऊपर जो टारगेट क्वेश्चंस है उसके 500 के क्वेश्चन के सेट्स हम लोग कमिंग डेज में करेंगे, जो इस साल आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा. तो जो 50 मैंने कॉमन एड के रूल्स बताए हैं वो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि उसमें थोड़ा सा फॉर्म हो जाइए. फिर उस पर बेस में 500 क्वेश्चन NDA, CDS, एयरफोर्स, SSC का कराऊंगी, जिसमें आपको आने वाले एग्जाम के प्री या मेंस के लिए बहुत ज़्यादा वो फायदेमंद होने वाला है. आज जो क्लास मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी न्यू सेशन, दैट इज़ द टारगेट वोकेबलरी फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन जो सेप्टेम्बर में होने हैं, जो नवम्बर में होने हैं और जो दिसंबर में होने हैं. सबके लिए इक्वली होगा क्योंकि मैंने इसको प्रीवियस ईयर से चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है. तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. इसमें भी हम इसे थोड़ा सा मंडेन नहीं बनाएंगे. मैं लिख रही हूँ और आप याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. हम इसमें कुछ इसे थोड़ा सा इंजॉयबल बनाने की कोशिश करते हैं. बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप याद एक ही वर्ड कर रहे हो एंड एंजॉय, यू आर डूइंग एंजॉयमेंट फॉर द कमिंग 50 मिनट्स. एंड एक वर्ड याद कर रहे हो वो भी नहीं होना चाहिए. अपने माइंड और स्टडीज को बैलेंस करना है बस आपको. चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रावेगेंट. द फर्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रावेगेंट. प्लीज प्रीवियस ईयर के पेपर देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि दिस इज रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट. प्लीज एक बार अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, कोई मॉडल पेपर देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि ये ठीक है जो मैं पढ़ रहा हूँ, दैट इज ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. प्लीज एक बार पेपर देखिए. पहला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट. इससे रिलेटेड मैं कुछ और वर्ड आपको यहाँ पे लिखती हूँ. दूसरा वर्ड है आपका थ्रिफ्टी, पार्सिमोनी, माइजर और लेविश. लिसन, एक्स्ट्रावेगेंट से रिलेटेड मैंने ये पांच वर्ड लिखे. दैट इज मतलब ये पांचों वर्ड जो है वो फैमिली वर्ड है. अब इसको देखिए. पहला वर्ड आप देखिए थ्रिफ्टी है, ठीक है. कोई भी वर्ड को आप दो तरीके से याद करिए. अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो सीधे सीधे याद कर लीजिए, ठीक है. अब बहुत ज़्यादा अगर आपका माइंड वाइज है, शार्प है, तो जो वर्ड दिखता है सीधे सीधे आप उसकी मीनिंग याद कर लीजिए. बट यदि आपको लगता है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इसमें भी मुझे इसे भी एडजस्ट करना है, राइट, तो आप क्या करो उसको लिंक करो किसी चीज़ से, ठीक है. सपोज दैट यदि आज के टाइम में यदि आप पढ़ रहे हैं, आज के टाइम में ये जो कोरोना पेंडेमिक है आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो कोरोना पेंडेमिक हम केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे हैं, हम ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि अमेरिका में कितना है, जर्मनी में कितना है, US में कितना है, आप ये भी एक साथ में कंपेयर कर रहे हैं. उस कंपेयर से क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि हम ज़्यादा है या कम है. यानी कि कंपेरिजन इज मेकिंग योर नॉलेज कंप्लीट इनहेंसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड कंट्री और एटसेट्रा. तो जब भी आप कोई वर्ड पढ़िए तो उसके आसपास के भी जो वर्ड्स हैं उसको उसके साथ लिंक करने की कोशिश करिए, ताकि हो सकता है 3-4 वर्ड और निकल के आ जाए. वोकैबुलरी की जो ग्लॉसरी होगी, लिस्ट होगी, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. तो वर्ड है आपका थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी नहीं पता, इवन अब मुझे भी नहीं पता कि होता क्या है. हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं. थ्रिफ्टी को बार बार पढ़िए, थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी. आपको क्या ये नज़र नहीं आ रहा है 350, राइट? तो आप ऐसे पढ़ो, आप शॉपिंग करने जा रहे हो और आपकी पूरी की पूरी शॉपिंग 350 में डन, राइट? साउंड इम्पॉसिबल? आप पूरी शॉपिंग 350 में कर चुके, राइट? हो सकता है उसमें से कुछ बच भी गया है, आप उस कैटेगरी के इंसान हैं, राइट? यानी आप थ्रिफ्टी हो. तब थ्रिफ्टी मतलब क्या हो जाएगा, कंजूस हो, माइजर हो आप, ठीक है. अगेन देखिए, थ्रिफ्टी साउंड 350, ठीक है. वन हु इज डूइंग ऑल हिज शॉपिंग इन 350 और कुछ रिमेन भी बच जाता है, कुछ बच भी जाता है, तो वैसे बंदे को हम क्या बोलेंगे, कंजूस वाले कैटेगरी में डालेंगे. तो थ्रिफ्टी को यदि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, यानी कोई पूछेगा कि बताओ इसका पूरा का पूरा संडे अच्छे से एलेबोरेट करो, तो आप बताइएगा वन हु इज माइजर, वन हु डज नॉट स्पेंड इज मनी, तो आप उसको क्या बोलेंगे, थ्रिफ्टी, ठीक है. यानी थ्रिफ्टी मतलब क्या हो जाएगा आपका, माइजर. वो माइजर स्टोरी पढ़ी थी ना, एक माइजर मैन, यू नो, हमारे इंडिया में फेमस है. चाय के अंदर मक्खी गिर जाती है, तो जो बंदा माइजर रहता है वो मक्खी हटाता है एंड एंजॉय द वेरी वॉर्म टी, राइट? सो थ्रिफ्टी मतलब माइजर. दूसरा देखिए, पारसीमोनी.
ठीक है, पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का भी मतलब नहीं पता तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से इसे साउंड दे करके इसे हम फिर से लिंक करते हैं। पार्सिमोनी में देखिए पर्स मनी, ठीक है, अगेन पार्सिमोनी में पर्स मनी। देखिए जो पर्स की स्पेलिंग होती है वो ये पर्स नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी हम लोग को यहाँ पे डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अपने काम से काम, यानी हमें वर्ड हमें समझ में आ गया, दैट इज़ ऑल। हम इस स्पेल्ड का चैप्टर नहीं कर रहे, मिस स्पेल्ड जब होगा तब हम लोग ध्यान से देखेंगे कहाँ पे आई मिसिंग है, कहाँ ई मिसिंग है, कहाँ पे कोई वॉवल मिसिंग है, एटसेट्रा। तो पार्सिमोनी में साउंड कैसे आ रहा है, पर्स और मनी, ठीक है। वैसा बंदा जो पर्स में मनी कम रखता हो, ठीक है, पैसा बंदा जो जानबूझ के पर्स में मनी कम रखता हो वो कौन है, पार्सिमोनी, राइट। वो डरता है कि यदि हम ज़्यादा रख लें खर्च हो जाएगा तो, यू नो, हम बाहर जाएंगे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिलीज, मेरे फ्रेंड्स यदि हमसे किसी पार्टी, किसी ट्रीट या किसी चीज़ की डिमांड कर दिए तो, राइट। यानी जो हमेशा फियर अप रहता है पैसे खर्च होने से उसको हम क्या बोलते हैं, पार्सिमोनी, ठीक है। सो पार्सिमोनी, थ्रिफ्टी एंड माइजर, ये तीनों शब्द क्या हो गए आपस में, सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स को हम बोलते हैं समानार्थी, यानी जो आपस में जिसके अर्थ मीनिंग सेम होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं समानार्थी। यानी ये आपस में तीनों क्या है, आपस में तीनों का तीनों सिनोनिम्स है। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, ठीक है। वैगेंट मतलब एक्सपेंड करने वाला, ठीक है, फिर से एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, वैकेंट मतलब स्पेंड करने वाला, जो ज़्यादा स्पेंड करता, जो लविशली लाइफ स्टाइल को जीता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वैकेंट। जैसे आप किसी एक पेन को, 20 रुपये वाला भी पेन से आपका काम चल सकता है, बट नो, यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर स्टेटस, अबाउट योर लेबल, राइट, अबाउट योर पर्सनैलिटी, और उस पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए आप खूब ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक दैट विजय माल्या, यू नो हु हैज़ डन अ वेरी गुड रॉबरी फ्रॉम इंडिया एंड हिडन समवेयर। सो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हो, कंजूस नहीं है बंदा, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। सो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हो गया जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, यानी वन हु स्पेंड मनी, राइट, वन हु स्पेंड एक्सेसिव मनी उसे बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रावेगेंट। अब सोचो ये तीनों बंदे हैं मनी स्पेंड नहीं कर रहे हैं, यानी ये तीनों बंदे डरते हैं मनी स्पेंड करने में, माइजर इन नेचर है, और एक्स्ट्रावेगेंट कौन है, उन्हें कोई डर नहीं लगता, वो चाहते हैं कि हम मनी स्पेंड करें, यू नो दैट आईफोन, यू नो दैट नाइकी शूज एटसेट्रा, राइट, जो आपका पर्सनैलिटी सिंबल बन चुका है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। यानी एक्स्ट्रावेगेंट जो है वो थ्रिफ्टी, पार्सिमोनी और माइजर का बन गया एंटोनिम्स, ठीक है। और चौथा वर्ड है लैविश, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया लैविश लाइफस्टाइल, राइट, लैविश लाइफस्टाइल मतलब खर्चीला, ठीक है। एक शब्द आता है हमारे फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, वो बोलते हैं ना कि यदि टेंशन मत लो, घी भी यदि तुमको उधार लेके पीना पड़े और उसमें तुम्हारा स्टेटस सोसाइटी बैलेंस्ड है, मैनेज्ड है, तो तुम वो घी भी उधार लेके पियो, राइट, लेकिन डोंट हेजिटेट वाइल बींग एक्स्ट्रावेगेंट, राइट, एंड डोंट बी क्यूरेटिव टू बींग दैट पार्सिमोनी, राइट। यानी पार्सिमोनी, माइजर एंड थ्रिफ्टी, तीनों मतलब हो गया कंजूस। आपका वन वर्ड सेपरेशन पूछेगा तो बता दीजिएगा कि जो मनी बहुत कम खर्च करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग माइजर, जो मनी बहुत एक्सेसिव खर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट या फिर लैविश। यानी कि लैविश और एक्स्ट्रावेगेंट हो गए आपस में सिनोनिम्स, और ये दो तीनों आपस में क्या हो गया, सिनोनिम्स, यानी ये दोनों बने इन दोनों के एंटोनिम्स, यानी कि विलोम, विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये पूरी फैमिली को यहाँ पे नोट कर दिया है, आपके पास कितने वर्ड क्रॉसरी हो गए, 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज टैबू। टैबू, चरिश्मा, कैजुअल, कर्बजन, देखिए मैंने जो ये 4 वर्ड नोट किए हैं ना, ये किसी किसी पर्सनालिटी के साथ इंडिकेट करता है, तो हम क्यों ना उन पर्सनालिटी के साथ इन वर्ड को लिंक कर देते हैं, यानी उनके बिहेवियर से इनको हम लिंक कर देते हैं। टैबू एक एक्ट्रेस का नाम है जिसको हम बोलते हैं तब्बू, राइट, जैसे सिगरेट इज टैबू इन इंडिया, राइट,
स्मोकिंग इज टैबू इन इंडिया, राइट? तो इसको इंग्लिश में आप टैबू बोलिए और हिंदी में आप इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? तबू, ठीक है? तो इसको ऐसा लिंक करिए कि जो तबू की मूवीज है ना वो पाकिस्तान में बैंड है, ठीक है? अगेन, जो तबू की मूवी है, तबू एक एक्ट्रेस का नाम है, तबू की मूवी पाकिस्तान में बैंड है या तबू की मूवी इंडिया के कुछ एरियाज में बैंड है, ठीक है? तबू की मूवी इंडिया में बैन है, इंडिया के कुछ साइड में बैन है, तबू की मूवी पाकिस्तान में बैंड है, राइट? तो तबू मतलब क्या? बैन, राइट? तबू मतलब बैंड, टैबू मतलब बैन, यानी कि जब किसी चीज की रोकथाम की जाती है उसे रोका जाता है, लीगली किसी भी तरह का कोई अलाउंस नहीं मिलता है, लीगली किसी तरह का परमिशन नहीं मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं टैबू, ठीक है? सेकेंड वर्ड क्या है आपका? चरिश्मा। चरिश्मा इसको आप इंग्लिश में पढ़िए, अगर आप इसको हिंदी पढ़ेंगे तो क्या वर्ड होगा? करिश्मा, राइट? करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा कौन? करिश्मा कपूर, राइट? दैट सिस्टर ऑफ व्हाट? करीना कपूर, राइट? तो चरिश्मा मतलब करिश्मा, ऐसा आपको लिंक करना है, ऐसा मत बोलना कि चरिश्मा पूछा उधर क्वेश्चन में तो बोला चरिश्मा मतलब करिश्मा, यू नो, ऐसा हाइड करके वर्ड याद नहीं करना आपको। तो चरिश्मा क्या हो गया? चरिश्मा करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर का लुक वाइज कैसा है? बहुत स्टनिंग है, ब्यूटीफुल है, किसी को ना भी लगे तो भी ऐसा ही मानो कि वो है, राइट? ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि शी इज़ वेरी गुड, ब्यूटीफुल, सिजलिंग, और जो भी आईफा ईफा अवार्ड देखते होंगे ना, तो जो होस्ट किसी एक्ट्रेस को बुलाने टाइम में जो जो वर्ड का यूज करता है, सब का सब चरिश्मा वर्ड का साइन हो जाएगा, ठीक है? तो चरिश्मा क्या हो जाएगा? स्टनिंग। ठीक है, ब्यूटीफुल, राइट? सेड्यूसिव एटसेट्रा। तीसरा वर्ड है कैजुअल। कैजुअल साउंड्स लाइक काजोल, यू नो दैट वाइफ ऑफ अजय देवगन। सो कैजुअल मतलब कोई पूछे तो आप ये मत बोल देना काजोल, यू नो, कैजुअल मतलब, कैजुअल मतलब काजोल से कोरिलेट करना है। अब इसकी एक लिंकिंग वर्ड बनाते हैं। काजोल ने शाहरुख खान को अपनी मूवी में लेने के लिए कैजोलिंग किया। काजोल ने शाहरुख खान से अपनी मूवी में लेने के लिए कैजोलिंग किया। कैजोल मतलब क्या हो गया? कैजोलिंग किया मतलब फ्लैटरिंग, उसको मस्का लगाया, ठीक है? तो कैजोल मतलब क्या हो गया? कैजोल मतलब हो गया मस्का। जैसे इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड बट येट समवन इज सेइंग यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, आपने यू हैव सुनो यू हैव केप्ट योर हैंड ऑन एवरीबडी इन दिस पार्टी, सो वट इज दैट? दैट इज अ फ्लैटरिंग। आपको पता चल रहा है साफ साफ कि ये फ्लैटरिंग है। आप अगर इतिहास और हिस्ट्री पढ़ते होंगे आप तो देखते होंगे हर एक राजा में राजदरबारी, यू नो, एक किंगडम पोएट होता था, ठीक है, जो लिखा करता था कि मेरा राजा ये, मेरा राजा वो क्या होता था? वो फ्लैटरी करता था, ठीक है? और जो फ्लैटरी नहीं करते, जो क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि जो आपका बंदा होगा वो आपके लिए फ्लैटरिंग करेगा, आपकी झूठी तारीफें करेगा, आपको मोटिवेट, फॉल्स मोटिवेट करेगा, लेकिन जो बंदा आपके साइड से नहीं है वो हमेशा आपको सही या गलत क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है? इसको हम लोग समीक्षात्मक भी बोलते हैं और ये बाकायदे एक जॉब होती है, ठीक है? तो कैजुअलिंग मतलब क्या हो गया? फ्लैटरिंग, ठीक है? आपने मलिक मोहम्मद जैसी की पढ़ी होगी पद्मावती, ठीक है? शायद निकली थी वो 1540 में, वो आई थी, तो उसमें क्या लिखा गया था? किसी एक राजा के बारे में, किसी एक रानी के बारे में भर भर के पॉजिटिव वर्ड लिखेगा, राइट? तो वो भी क्या होता है? एक तरह का फ्लैटरी है, राइट? तो कैजुअलिंग मतलब हो गया फ्लैटरिंग। बटरिंग, ठीक है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लैटरिंग, बटरिंग, सेडक्टिव। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको अपनी इंप्रूव करनी है वोकैबुलरी या फिर प्रोनाउंसिएशन या फिर ग्रामर, तो जो वर्ड आपके ग्रोसरी में पहले ही है, जो आपके पास आपके माइंड में पहले से जो वर्ड हैं वो तो आपको याद हो चुके हैं, तो आप क्या करो उसको साइड पे रखो। जो वर्ड आपको याद नहीं है, जिस वर्ड पे आपका कमांड नहीं है, अब उसे आप अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए, राइट? जैसे अभी तक बोलते हैं कि मस्का मत लगाओ, बटरिंग मत करो, हम यही बोलते हैं, यू नो, बटरिंग मत करो। अब आपको बोलना है कैजॉलिंग मत करो, ठीक है? यू आर कैजॉलिंग टू मी, राइट? यू आर मेकिंग अ कैजॉल टू मी। तो कैजॉल मतलब क्या? कैजॉल मतलब फ्लैटरिंग और बटरिंग। अगला वर्ड है करभजन। करभजन साउंड्स लाइक हरभजन, यू नो, करभजन साउंड्स लाइक हरभजन। हरभजन हु? हरभजन वॉज अ प्लेयर। आपको याद होगा
एक्चुअली लिंक करना होता है, लिंक करिए वर्ड को, करभजन साउंड हरभजन 2008 का आपको आईपीएल याद होगा, ठीक है। आईपीएल में वो क्या हुआ था, करभजन स्लैप्ड वेरी टाइटली टू श्री संत, राइट। श्री संत को हरभजन सिंह ने एक टाइट स्लैप दिया था 2008 के आईपीएल में। अब वो 2008 का आईपीएल है या फिर डेट इधर उधर है, प्लीज मेक श्योर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट 2008 और 2009, बट मुझे जहां तक लग रहा है 2008 में वो आईपीएल रहा होगा। उस टाइम पे हरभजन सिंह ने श्री संत को एक स्लैप दिया था, ठीक है। तो आप सोचो, कोई खुशी खुशी तो किसी को स्लैप नहीं देगा ना, राइट। कोई गुस्से में, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, राइट, कोई उसमें स्लैप देगा। तो हरभजन सिंह साउंड्स एंग्री, राइट, हरभजन सिंह साउंड्स एंग्री, सो ही स्लैप श्री संता वेरी टाइटली। तो करभजन मतलब क्या हो गया, हरभजन जो कि मूड कैसा है जिसका, शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्से में रहता है, टेम्परिंग रहता है। तो करभजन क्या मतलब हो गया, करभजन हरभजन। और करभजन ने क्या किया था, यानी हरभजन ने क्या किया था, टाइटली स्लैप किया था श्री संता को। तो करभजन क्या हो गया, एंग्री, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, जो भी वर्ड मिले। अब आपको क्या करना है, पहले आप नोट तो कर ही लोगे, अब जब आप याद करोगे तो क्या करोगे, ये सारे वर्ड आप मत देखिए, पहले आप क्या करो, इस वर्ड को देख करके रिलेट करो कि कैसे मैंने इसको रिलेट किया था। ऐसे में क्या होगा ना, देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें राइटिंग नहीं करना है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, राइटिंग नहीं करना। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, तो आप याद बिल्कुल मत करो, आप बस साउंड्स याद करिए, उसकी लिंक याद करिए। जैसे दिया है क्वेश्चन टैबू, ठीक है, क्वेश्चन टैबू दिया है और आपको एग्जैक्ट टैबू का मतलब नहीं पता, बट तब्बू को लिंक किया है, टैबू इज बैंड, राइट। अब चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो कोई भी दो ऑप्शन जो होगा वो थोड़ा थोड़ा उसके सिमिलर होगा, तो बाकी के जो दो ऑप्शन उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। तो बिल्कुल सिमिलर से जो वर्ड मिलेंगे, टैबू, बैंड, सेंसोर, तो आप क्या करोगे, उसको आप कर दो सिमिलर, यानी कि समानार्थी, यानी कि सिनोनिम्स, राइट। वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं है, डेली लाइफ में यूज करिए, माइंड में हमेशा उसको स्ट्रक डाउन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट सिनो या एंटो क्या है। ये मैंने सारे फैमिली वर्ड लिख दिए जो कि सेलिब्रिटीज नेम था, ठीक है। अगला वर्ड आते हैं, वेरी टफ टू क्लीन द बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमिकेबल, इसको ध्यान से देखिएगा, एमिकेबल, राइट, एमिकेबल में देख लीजिए, नहीं पता व्हाट इट मीन, नहीं पता, हम क्या करें, तोड़ते हैं इसको, ठीक है। देखिए एमी, राइट, जहां भी आपको एमी वर्ड दिखे ना, स्टार्टिंग में एज अ प्रीफिक्स, हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। तो एक वर्ड के आगे लगता है, एक वर्ड के पीछे लगता है, अपना खुद का सेंस नहीं होता इसके पास, बट जिस भी वर्ड के आगे पीछे लगता है उसके सेंस को हमेशा चेंज कर देता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एमिकेबल में एमी वर्ड को निकालते हैं। इस एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, हॉस्टाइल, ठीक है, फ्रेंडली या हॉस्टाइल, जो बहुत ही मित्रवत जिसका संबंध होता है, उनका जो बिहेवियर होता है बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, उसको हम बोलते हैं एमी, ठीक है। अब वर्ड बनाते हैं, देखिए एक तो वर्ड हो गया आपका एमिकेबल, दूसरा वर्ड लिख लीजिएगा एमिएबल, एक और लिख सकते हैं आप एमोरस, और एक और वर्ड लिख सकते हैं आप एमिटी। राइट, मैंने सब में एमी वर्ड लगाया है, इधर भी एमी, एमी, एमी और एमी, सबका मतलब फ्रेंडली हो जाएगा। यानी कि जब यहां से क्वेश्चन पूछेगा साइनो, तो सोचेगा कि ये खुद ही सकारात्मक नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, तो जो इसका साइनो होगा वो भी पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। यानी कि दिए गए ऑप्शन से निगेटिव को एलिमिनेट करिए, पॉजिटिव वे से आंसर फाइंड करिए। और यदि इसका एंटो पूछेगा तो ये तो खुद ही पॉजिटिव है ना, तो जब ये पॉजिटिव है तो जो आंसर एंटो का आना चाहिए वो नेगेटिव इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो जो ऑप्शन में पॉजिटिव होगा एलिमिनेट करिए, और जो नेगेटिव होगा उसको आप अपना आंसर्स बनाइए। आई मीन दैट इज नॉट टू मच सीरियस, टू मच टफ कि आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे ही आप 10 साल का क्वेश्चन कर लो, एक दो मॉडल सेट कर लो, जो मैंने अभी आपको बताया ट्रिक्स वो यूज कर लो, द क्वेश्चन विल बी नॉट टफर एनी मोर, राइट। एमिकेबल, एमिएबल, एमोरस, एमिटी। तो एमिकेबल क्या हो गया, फ्रेंडली या हॉस्टाइल, जैसे आई एम
amicable towards you, मेरा संबंध आपसे मित्रवत है, right? वही हो गया आपका amiable. तो यहाँ पे able मतलब होता है योग्य. Evitable, portable, edible, ठीक है? Edible मतलब खाना, able मतलब योग्य, खाने योग्य पदार्थ, right? तो able मतलब हो गया योग्य और ami मतलब हो गया friendly. जो friend बनाने के योग्य होता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं amiable, right? Ram is amiable for us. यानी we can make the friends of Ram. Ram can be our friends, right? आप मत सोचना, you know, सूरज can be our friend, right? ये जो राम और सीता जैसा है ना, लगता है कि फिक्स हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, वी विल साउंड सम डिफरेंट एग्जाम्पल विद अ नेम, विद अ प्रॉपर नाउन. अगला है एमोरस, जिसकी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रही है, जिसका पिंक लेटर, पिंक हिस्ट्री रही है, जैसे शाहजहाँ, राइट? शाहजहाँ को हम क्यों याद करते हैं? ताजमहल के लिए, मुमताज के लिए, राइट? यानी उसका जो हिस्ट्री रही, कैसी रही है? एमोरस रही है. तो एमोरस क्या होता, क्या हो गया? द पिंक हिस्ट्री, या फिर बहुत जिसकी लाइफ रोमांटिक रही है, जिसके हिस्ट्री बहुत रोमांटिक, रोमांस से भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एमोरस. प्लीज़ रोमांस को हमेशा उस वर्ड में मत लीजिएगा, दैट अ गर्ल एंड बॉय इज बैफलिंग टुगेदर एंड दैट्स कॉल्ड यू नो रोमांस. नो, रोमांस कैन बी फॉर द नेचर, रोमांस कैन बी फॉर द फॉर आवर इंटरेस्टिंग थिंग्स. रोमांस कैन बी पेड वाइल रीडिंग द बुक, रोमांस कैन बी पेड वाइल प्लेइंग योर फेवरेट गेम, राइट? इट्स नॉट लिमिटेड you know, to the boy and girl, the husband and wife, you know, the opposite sex, that's not good. Agla hai amity. Amity ek naam suna hoga, you know, university ka naam hai, right? Amity, maybe ami laga hua hai. Amity waisi jagah ko boliye, jahan pe sab ke sab bada friendly rehte hain, sab ke sab bahut acche se rehte hain, ek dusre ke saath bahut sakaratmak tarike se rehte hain, usko hum bolte hain amity, theek hai? To amity vishwavidyalay, what? Sab koi acche se rehta hai, you know, rehta hai ki nahi, I don't know. But amity matlab, the place where everybody lives friendly, right? The place where everybody paid hostility to each other, right? So amity matlab ho gaya jahan aap acche se rehte ho, pyar se rehte ho. Amorous, pink history, jiski lifestyle bahut achhi rahi ho, bahut hi romanchit rahi ho, bahut hi romance se bhara hua hai, usko bolte hain hum log amorous. Amiable, you are able to be my friend, right? I found you. Able to be my friend, so you are amiable for me, right? और amicable क्या होता है? जो nature wise बहुत friendly होता है, ठीक है? तो चार word याद हो गया. Ami sounds good, ami sounds positive, ठीक है? अगला word देखते हैं. Next word है आपका acidus. Acidus. जब भी वर्ड आप लिखोगे, जब भी वर्ड आप याद करोगे, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, फर्स्ट यू हैव टू लिंक दैट वर्ड विद सम पर्सन, सम प्लेस और समथिंग, राइट? बाय विच, यदि एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा भी कंफ्यूज होता है, राइट? तो आप उस क्वेश्चंस को, उस वर्ड को किसी भी चीज से रिलेट करके आपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. एसिडस है, हम इसके फैमिली वर्ड लिखते हैं. इंडस्ट्रियस, लेथार्जिक, lazy, idle, sick, sick और क्या हो सकता है? acidus, industrious, lethargy, lazy, idle, sick. और previous year में जो questions आए हैं, मैं उसी पर focus करना चाह रही हूँ. That's all. एक आप लिख सकते हो हार्ड वर्किंग, लेबोरियस. चलिए वर्ड देखते हैं. पहला वर्ड है एसिडस, हार्ड वर्किंग. एसिडस, इंडस्ट्रियस, लेथार्जी, लेजी, ईडल, सिक, लेबोरियस, ठीक है? वर्ड देखते हैं. नहीं पता एसिडस का मतलब क्या होता है, आई डोंट नो. हम क्या करेंगे, फिर से देखते हैं, वर्ड को तोड़ते हैं. देखिए वर्ड के स्टार्ट में क्या है, एस. एस मतलब गधा, राइट? डंकी, यू नो, वन ऑफ माय स्टूडेंट साउंड्स डंकी लाइक डोंकी, राइट? समबडी साउंड्स समबॉडी, राइट? सो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वर्ड का नेचर, स्पेलिंग सब चेंज कर देता है.
तो बी केयरफुल व्हाइल प्रोनाउंसिएटिंग एनी वर्ड. एस्टर्स में एस वर्ड है, एस मतलब गधा होता है. गधे को हम किस लिए जानते हैं? या तो बेवकूफ़ी के लिए या तो मेहनत के लिए. हम लोग यहाँ पे मेहनत के लिए जानते हैं, ठीक है, कि गधे की तरह मेहनत करते हो, यू नो. गधे की तरह मेहनत नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क, नॉट लाइक गधों की तरह वर्क, राइट. सो एसिडस में एस है, एस मतलब गधा. गधा क्या करता है? बहुत ही हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है. तो एसिडस में तो क्या हो गया? हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एसिडस, ठीक है. एसिडस वर्ड आएगा जब भी, तो आप क्या करोगे? एसिडस में जो एस वर्ड है आप उससे कोरिलेट कर दो कि एस मतलब गधा, ठीक है. एंड गधा इज अ हार्ड वर्किंग, राइट, लेबोरियस. सेकेंड, इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस में भी हम क्या करेंगे? तोड़ते हैं साउंड को. इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मतलब कारखाना. वैसे बंदे जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, बड़े बड़े कारखानों में काम करते हैं, वैसे बंदे होते हैं इंडस्ट्रियस, ठीक है. सूरज, अ बॉय इज वेरी इंडस्ट्रियस, राइट. इंडस्ट्रियस मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनती, ठीक है. सो यहाँ पे इंडस्ट्रियस है. इंडस्ट्रियस मतलब क्या हो गया? एसिडस, हार्ड वर्किंग या लेबोरियस. यानी ये चारों वर्ड आपस में क्या है? साइनो है, ठीक है. सो अगला वर्ड है आपका लेथार्जी. लेथार्जी में वर्ड है आपका लेथार्जी में भी तोड़ते हैं तो वर्ड है आपका लेटा. 24 घंटा जो लेटा रहता है, ठीक है, लेटा हुआ है, राइट. इसका एक और है एसिडस. लेथार्जी मतलब लेटा हुआ. जो बंदा दिन भर लेटा रहता है, पड़ा पड़ा सारा काम उसका हो रहा है, तो उसका कैसे बंदे लेथार्जी? मतलब बहुत ज्यादा आलसी है. ये बंदे बहुत काम कर रहे हैं, ये बंदा एकदम काम नहीं कर रहा है. तो लेथार्जी वर्ड क्या हो गया? एसिडस का निगेटिव यानी एंटो. तो लेथार्जी मतलब क्या हो गया? सिक, ठीक है, सिक या आलसी जो होते हैं, लेजी होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग. अगला तीन वर्ड देखिए, देखिए ध्यान से एक चीज देखिएगा. जब आपको एंटो और साइनो बताना पड़ेगा तो वहां साफ साफ बोलते हैं नियरेस्ट मीनिंग, ठीक है, नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग. नियरेस्ट मीनिंग के कौन नियरेस्ट अपोजिट है, कौन नियरेस्ट सिमिलर है, ठीक है. तो एंटो और साइनो करेंगे तो नियरेस्ट मीनिंग आनी चाहिए, लेकिन जब फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा तो नियरेस्ट नहीं होता, एग्जैक्ट होता है, ठीक है. तो अब ये तीनों वर्ड देखिए. लेजी, इसी से वर्ड बना सकते हो आप लेजीनेस. ये जो एनएड वाला लगता है तो क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बना देते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं. ईडल में बोलते हैं आप ईडलनेस, ध्यान से देखिएगा. एंड सीक को बोलते हैं आप सीकनेस, ध्यान से देखिए. जो बंदे की आदत है हमेशा पड़े रहने की, जिस बंदे को कोई काम नहीं है, वो चाहता है कि हमको कोई काम मिले ही नहीं, तो बंदा लेजी है, राइट. जो आदत में ही जिसके है, जो बंदा वन हु डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क, दैट्स लेजी इन द नेचर, इन द हैबिट, दैट्स कॉल्ड लेजी. और ईडल क्या होता है? ये बंदा लेजी नहीं है, ये बंदे के पास कोई काम नहीं है. जैसे इस पैंडेमिक में बहुतों के काम छिन गए हैं, ठीक है, तो सबके सब अपने घर पे होंगे, तो वो नेचर वाइज लेजी नहीं है, नेचर वाइज वो आलसी नहीं है, जबकि कंडीशन वाइज है. उनके पास ऐसी ऐसा कंडीशन आ चुका है जिसकी वजह से उनके पास काम नहीं है, तो घर पे बैठना पड़ रहा है. तो वो बंदे कैसे होते हैं? ईडल होते हैं, ठीक है. ईडल क्या होता है? कंडीशन वाइज लेजी होते हैं. और सिक क्या होता है? मेंटली, ठीक है, जो मानसिक रूप से पीड़ित है या मानसिक रूप से जिसको लेजी महसूस होता है, आलस महसूस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिक, ठीक है. अब देखिए, किसी किसी को हम लोग गाली देते हैं ना, यू आर सिक. सिक मतलब क्या? यू आर मेंटल डिस्टर्ब्ड, राइट. तो सिक सिकनेस होता है ना. एक और वर्ड में आता है आपका, सिक को हम लोग बीमार भी कहते हैं. एक और वर्ड इलनेस होता है. देखिए, इल जिस बीमारी को फाइंड आउट किया जा सके, जिस बीमारी को डिफाइन किया जा सके, वो बीमारी होती है इलनेस, ठीक है. लेकिन जिस बीमारी को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो बीमारी है, जैसे आप डॉक्टर के पास आप जाके बोलो कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, बट चेक मी आउट, मुझे नहीं पता फीवर है, नहीं बुखार है, नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, बट ट्रीट मी, सो दैट इज व्हाट सिक. यू कांट डिफाइन, यू कांट एलेबोरेट योर डिजीज, सो दैट इज व्हाट यू हैव सम सिकनेस इन योर माइंड, सम सिकनेस इन योर बॉडी. बट यदि इल है तो इल में हम बोल सकते हैं डायरिया, डायबिटीज, फीवर, कॉलरा एटसेट्रा, ठीक है. तो इलनेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट सिक को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सिक क्या होता है? मेंटली होता है, ठीक है. तो ये वर्ड आपस में ये सब के सब क्या हो जाएंगे? साइनो. तो ये जब साइनो है तो ये सब इनके क्या हो जाएंगे? एंटो. फिर से हार्डवर्किंग आपको पता है, जो मेहनत करता है. एक चीज और याद रखिएगा, मुझे पता है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है. देखिएगा, एक लेबर में और लेबरर में बहुत अंतर है, बट हम लोग जो काम करते हैं मजदूर, उसको हम कहते हैं लेबर काम कर रहा है. वो लेबर नहीं है, वो लेबरर है, ठीक है. क्योंकि लेबर वर्ड क्या है? मेन वर्ब है. और लेबरर क्या है आपका? ये है आपका नाउन. तो जब कोई बंदा काम करता है, किसी मजदूर को हम कहते हैं पांच लेबर लेकर आओ, यू नो. लेबर लेकर नहीं आ सकते आप, लेबरर लेकर के आते हैं, ठीक है. क्योंकि लेबर शब्द क्या है? लेबर मतलब मेहनत करना,
जैसे आई एम पेइंग अ गुड लेबर ऑन माई स्टडी एंड व्हाट आई एम लेबरर, ठीक है. तो लेबर अलग वर्ड है, नाउन है, सॉरी मेन वर्ब है, लेबरर नाउन है. और लेबोरियस, लेबर में मैंने लगा दिया ओ यू एस, यानी ये क्या हो गया नेचर. आई एम लेबोरियस, I am laborious. Laborious क्या हो गया? Adjective. I कौन है? Pronoun. तो adjective वो होता है जो noun और pronoun को define कर सके. तो that is adjective. That is main verb and that is noun. ठीक है? That's all for today. इसके बाद हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Have a nice time.